आज हम जीपीएस लगाने जा रहे हैं टाटा के डंपर में। तो इसमें दो नट तो यहाँ पर है और एक नट यहाँ है, एक नट यहाँ पर है। खोल लेते हैं हम इसको, शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। ये इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। किसी भी व्हीकल में ये चाबी के तो पीछे से जो कपलर आता है वहीं से सारी वायरिंग होती है। इसमें दो सॉकेट है, ये है एक तो मोटी वायरिंग है, ये है डायरेक्ट सप्लाई, दूसरा सॉकेट। तो इसमें ये हमें तो पता होता है ये येलो वायर है, तो ये वायर जो है रिले के लिए काम आएगा। अब हमें चाबी को ऑफ कर देना है पूरा, उसके बाद ये जो डायरेक्ट वायर है ये रेड वाला छोटा सा वायर कट कर लेना, इतना सा। डायरेक्ट वायर में लगाना है एक पॉइंट पर और दूसरे सॉकेट के अंदर। लगा के चेक करना है, चाबी ऑफ है और इग्निशन ऑन हो गया। मीटर मीटर चेक कराना, मीटर चेक कराना, लाइट लाइट दिखाना। ये देखिए ये मीटर है, इधर देखो मीटर की लाइट आ रही है। इसका मतलब यही हमारी इग्निशन वायर है या फ्यूल पंप वायर है। बाकी में अगर हम डालेंगे तो एक में किसी में सेल्फ लेगी और ये बाकी में हम डाल के चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं हो रहा और इसमें सेल्फ लेगी, ये देखिए। तो ये वाली जो है मीटर में जो लाइट आ रही है बस वही वाली वायर है। वो अब इसको वायर को भी हम कट नहीं करेंगे, कपलर से बाहर निकाल के ज्वाइन करेंगे। अब ये सॉकेट है, इसको बाहर निकाल लेंगे इसे, और इसके अंदर लॉक्स बने हुए रहते हैं। तो इस लॉक्स को किसी सुई या किसी दूसरी चीज़ से इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इसमें लॉक्स है, इजीली बाहर आ जाता है। अगर वारंटी आपके व्हीकल के वॉइड हो रखी तो वह वायर भी आप कट कर सकते हो। ये देखिए इजीली बाहर आ गया। ऐसे ही हम इसका भी बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर आ गया। अब हम इसमें रिले के कनेक्शन करेंगे। रिले का कनेक्शन कैसे होगा, एक ग्रीन वायर एक साइड जुड़ जाएगा, दूसरा ग्रीन वायर दूसरी साइड जुड़ जाएगा। ये रिले के दो ग्रीन वायर हमने अटैच कर दिए, एक इससे और एक इससे। वो वायर कट नहीं किया है, इससे वारंटी वॉइड नहीं होगी। अब इसका वाइट वायर है जो ये डायरेक्ट के साथ लग जाएगा और येलो वायर डिवाइस के येलो से अटैच हो जाएगा, डिवाइस के येलो से अटैच हो जाएगा। और डिवाइस का जो रेड वायर है वो इस वाइट के साथ अटैच करके यहाँ हम रेड वायर के साथ जोड़ देंगे, डायरेक्ट सप्लाई देनी है। और फिर बचा ऑरेंज वायर, हमारा ऑरेंज वायर इसके ग्रीन के साथ जोड़ देंगे हम, इसके ग्रीन के साथ। और ब्लैक वायर ग्राउंड दे देंगे, ग्राउंड यहाँ किसी भी नेट पर दे देंगे।
वायरिंग कंप्लीट कर लेता। वायरिंग हमने कंप्लीट कर दी, ये माइनस इधर रथिंग में लगा दिया, येलो से येलो लगा दिया, वाइट रेड जो है डायरेक्ट सप्लाई में कर दिया, ग्रीन से ग्रीन जोड़ दिया। अब हम टेपिंग कर लेते हैं। अब हमें रिले चेक करनी, रिले ढंग से ठीक से काम कर रही है नहीं, ये हमारी वायरिंग प्रॉपर हुई है नहीं रिले की, तो व्हीकल स्टार्ट कर लेना एक बार। हमारी व्हीकल बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब वायरिंग हमारी सही हुई है। जीपीएस हमने पैक कर दिया है कनेक्ट करके, रिले को भी पैक कर दिया, अब हम ये पैक कर देंगे। अगर आपको जीपीएस बाय करना है तो अमेज़न के थ्रू बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।